और अब खबर उत्तर प्रदेश से। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश को लेकर सियासी हलचल पिछले कई दिनों से काफी तेज थी। अटकलें लगाई जा रही थी कि योगी मंत्रिमंडल में विस्तार भी हो सकता है, बदलाव भी हो सकता है और शायद योगी को लेकर भी कोई चौंकाने वाला फैसला आ सकता है। यानी कि योगी के अलावा कोई और चेहरा भी क्या उत्तर प्रदेश में हो सकता है, इसको लेकर भी अटकलों का बाजार गर्म था। लेकिन चंद दिनों की कयासबाजी पर फिलहाल विराम चिन्ह लग चुका है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक ना तो मंत्रिमंडल में फेरबदल होने जा रहा है और ना ही योगी के अलावा किसी और चेहरे पर कोई विचार हुआ है। ...2021 के धमाकेदार बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद अब संपूर्ण देश की नजर अभी से सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की ओर इनायत हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2022 में यूपी विधानसभा का हाई प्रोफाइल चुनाव है। यूपी में फिलहाल बीजेपी सत्ता में है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और पार्टी अभी से सियासी जंग जीतने की तैयारी में कमर कसने लगी है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से कयासबाजी हो रही थी कि मुमकिन है कि 2022 में बीजेपी योगी आदित्यनाथ नहीं किसी और चेहरे के नेतृत्व में चुनावी मैदान में कूदेगी, लेकिन इन अटकलों पर अब विराम लग चुका है। मुख्यमंत्री योगी ही विधानसभा चुनाव में बीजेपी का चेहरा होंगे, न सिर्फ चेहरा होंगे बल्कि उम्मीदवारों के चयन में भी उनकी मुहर जरूरी होगी। योगी जी मजबूती से बने रहेंगे, माननीय योगी जी के नेतृत्व में ही आज क्या है, माननीय योगी जी ने कैसे चुनौतियों का सामना करते और योगी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, उनके नेतृत्व में चुनाव होगा, उनके चेहरे पे चुनाव। हाँ, उनके योगी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। उनकी ईमानदारी, आज मैं कह सकता हूँ कि अपराध उनके शासन में अपराध रुका हुआ है। अपराध कहाँ दिखाई दे रहा है, कहीं अपराध? आपने सपा बसपा का शासन देखा है पिछले 5 सालों से, 10 सालों से लूट लिया इस राज्य को, भ्रष्टाचार, ये सब गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार। तो आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आज अपराध मुक्त है, कानून का शासन है। उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर ये है कि योगी मंत्रिमंडल का विस्तार फिलहाल नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी हाल के दिनों में अपने मंत्रिमंडल का आकार नहीं बदलने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक यूपी में पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के बाद जून के आखिर में या जुलाई में मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है, खासकर केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार के बाद ही ये संभावित है। बेशक मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें खारिज होने की खबर है, लेकिन बिना आग के धुआं यूं ही नहीं उठता। दरअसल बीते करीब 10 दिनों से मंत्रियों और विधायकों से बीएल संतोष की बातचीत के बाद ही यूपी मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल की बात सामने आई थी। साथ ही चर्चा इस बात की भी थी कि पीएम मोदी के करीबी एके शर्मा को मंत्रिमंडल में अहम पद दिया जा सकता है। इसके अलावा यूपी को लेकर बीजेपी में सियासी मंथन के बीच जब प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात को पहुंचे तो चर्चाओं का बाजार अचानक गर्म हो गया। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में उन्होंने राज्यपाल को एक लिफाफा भी सौंपा था। इस लिफाफे ने यूपी में बीजेपी की राजनीति को लेकर जारी असमंजस और बढ़ा दिया था। हालांकि राधा मोहन ने आनंदीबेन से मुलाकात को औपचारिक बताकर सस्पेंस और बढ़ा दिया था। प्रभारी बनने के बाद अभी तक उनसे मैं मुलाकात नहीं कर सका था, तो उनसे मिलने गया था। जहाँ तक सरकार और संगठन का सवाल है, देश में सबसे लोकप्रिय अभी कोई राज्य सरकार है तो योगी सरकार है, उत्तर प्रदेश बीजेपी की सरकार है, और देश में यदि संगठन कहीं सबसे ज्यादा मजबूत है तो उत्तर प्रदेश में। बीजेपी सूत्रों से आ रही खबरों ने फिलहाल ये तय कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी योगी आदित्यनाथ के दम पर ही लगातार दूसरी बार सत्ता पर काबिज होने का चुनावी मार्च करेगी और फिलहाल मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल नहीं होगा। मतलब साफ है, यूपी में योगी नाम केवलम। समर्थ श्रीवास्तव और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। दिल्ली में सियासत का पारा एक बार फिर चढ़ता जा रहा है। वजह है केजरीवाल की घर घर राशन योजना।